का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवारों को गोंदिया भंडारा की सीट दी है, क्या वह सिर्फ राष्ट्रवादी को विजय बनाने के लिए उम्मीदवार को उम्मीदवारी दी गई है? ऐसा सवाल गोंदिया भंडारा लोकसभा चुनाव मतदाताओं के बीच में उभर कर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कद्दावर नेता होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों नए चेहरे के साथ गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र की राजनीति कर रही है? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कद्दावर नेताओं की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास यूं तो कद्दावर नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन आखिर क्यों नए चेहरे के साथ जनता पार्टी इस लोकसभा क्षेत्र में दावेदारी कर रही है? डॉक्टर खुशाल बोगचे एक कद्दावर नेता के रूप में इस क्षेत्र के इस पार्टी के साथ जुड़े हैं और वे जनता के बीच भी लोकप्रिय नेता भी हैं। जैसा कि डॉक्टर खुशाल बोगचे के बारे में हम बता दें कि वे सांसद भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र राज्य में 2009 में विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे कद्दावर नेता से आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने किनारा किया? जैसा कि बीजेपी इस बार यह सीट गंवाने वाली है, ऐसा लोकसभा क्षेत्र की जनता का कहना है। आइए देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर खुशाल बोगचे का क्या कहना है। पक्षाचा फॉर्म ही भरलेला आहे, पण मला आतापर्यंत ए बी फॉर्म काही मिळालेला नाही आणि तयारी ही बऱ्याच दिवसापासून होती आपली। पक्षाकडे आपण मागणी केलेली होती आणि मी मागणी करण्यापेक्षा मला पक्षाकडूनच सांगितण्यात आलेलं होतं आधी किंवा निवडणूक लढायची आहे, पण शेवटल्या दिवसापर्यंत काही तसा निरोप कन्फर्मेशनचा नाही मिळाला। तर माझ्या डोक्यात विषय असा आला की बा आपण या मतदारसंघाचं नेतृत्व आधी केलेलं आहे, ती कालावधी अल्प होती। व्ही पी सिंग आणि चंद्रशेखरचं जे सरकार आहे ते त्यावेळेस लवकर डिझॉल्व्ह झालेलं होतं आणि त्याच्यामुळे या लोकसभा क्षेत्रामध्ये जे काही आपल्याला ज्या दिशेनं काम करायचं मनात मनशा होती तर ती अपूर्ण राहिलेली होती। आणि आता त्यामुळे आता मी विधानसभेमध्येही नाही आहे, यामधल्या 10 वर्षात आपण कुठली निवडणूक लढवली नाही, तर मला असं वाटतं की बा या क्षेत्राचं नेतृत्व आणि साधारणतः OBC हा विषय घेऊन मी साधारण पूर्ण देशात फिरतो आहे, कारण की आता सध्या राष्ट्रीय OBC महासंघाचा कार्याध्यक्ष आणि पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर समन्वयक म्हणून काम करतो आहे। तर हे जे आमचे OBCचे प्रश्न आहेत ते देशाच्या पार्लमेंटमध्ये लोकसभेमध्ये मांडता आले पाहिजे हा मूळ मुद्दा माझा आहे आणि त्याचबरोबर एक विकासाचा जो मुद्दा आहे तर तो एक अहम मुद्दा आहे आणि या जिल्ह्याच्या डेव्हलपमेंटच्या साठी काम करण्याची इच्छा। जैसे की या OBC के मोर्चे के भी पदाधिकारी है और ऐसी स्थिति में भी भाजपा आखिर क्यों इतना बड़ा रिस्क लेकर चुनाव लड़ी?